नमस्ते, मैं जीति, जीति रॉय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक सिंपल ट्रेडिशनल मेकअप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी। आई मेकअप के लिए मैं लूंगी एक न्यूट्रल कलर शेड। इसको मेरी आई लिड पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई करूंगी और इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फिर मैं लूंगी एक ब्राउन कलर। इसको मैं आउटर कॉर्नर से अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। ब्लेंड करते हुए मैं इसको अप्लाई करूंगी। ब्राउन कलर को अप्लाई करने के बाद मैं लूंगी ब्लैक कलर। छोटे से ब्रश की मदद से पहले मैं आई लिड पे ब्लैक कलर को अप्लाई करूंगी। फिर मैं इसको ब्लेंड करूंगी। मैं जब भी ब्लैक कलर से आई शेडो करती हूँ, मैं पहले आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर फॉल आउट होता है तो बेस मेकअप ख़राब हो जाता है। आप भी इसे ध्यान रखें। ब्लेंडिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब इसको यहीं पे छोड़ दूंगी। अब मैं फेस मेकअप करूंगी। प्राइमर से स्टार्ट करूंगी। आप सभी जानते हैं पहले प्राइमर अप्लाई करना होता है। ये प्राइमर पर्पल का है। मैं इसको लार्ज पोर एरिया पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई करूंगी और फिंगर की मदद से इसको पूरी फेस पे स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं थोड़ा सा कलर करेक्ट कर लूंगी फेस पे। ये ऑरेंज कलर करेक्टर है एले गर्ल प्रो का। इसको मैं अंडर आई पे और माउथ एरिया पे थोड़ा सा अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करूंगी पहले फिंगर की मदद से। फिंगर की मदद से ब्लेंडिंग करने से प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है, ये मेरी टेक्निक है। उसके बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे से बीबी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूंगी। फेस पे डार्क स्पॉट हो तो ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मेरी फेस पे नहीं है, मैं इसीलिए नहीं करूंगी। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। पहले फिंगर की मदद से पूरी फेस पे टैप टैप करते हुए फाउंडेशन को अप्लाई करूंगी। ये मैक फाउंडेशन है। ऐसे अप्लाई करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे से ब्रश की मदद से ब्लेंड करूंगी। राउंड मोशन पे पूरी फेस पे ब्रश को जस्ट घुमाना है। आप देखोगे इजीली फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगा। आप चाहो तो बीबी ब्लेंडर से भी टैप टैप करते हुए पूरी फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो। ब्रश अप्लाई करने से ये मैट लुक देता है और बीबी ब्लेंडर अप्लाई करने से ये ड्यूई लुक देता है। उसके बाद मैं कॉन्सीलर अप्लाई करूंगी अंडर आई पे। एक शुगर का कॉन्सीलर है। अंडर आई पे अप्लाई करूंगी और फिर थोड़ा सा मैं इसको लिप्स के कॉर्नर पे भी अप्लाई करूंगी। एक छोटी सी पिंपल थी उसके ऊपर भी मैंने इसको अप्लाई किया है। कॉन्सीलर अप्लाई करने के बाद मैं कॉन्ट्यूर अप्लाई करूंगी। ये शुगर का कॉन्ट्यूर स्टिक है। मैं इसको चीक बोन पे एक लाइन खींचूंगी और बस इतना ही। ज़्यादा कॉन्ट्यूर मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। फिर मैं फिंगर की मदद से पहले कॉन्सीलर को ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। फिर मैं इसको बीबी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। मैं पहले कॉन्सीलर को थोड़ा सा फिंगर से स्प्रेड किया है, फिर उसके बाद बीबी ब्लेंडर से इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है। उसके बाद एक छोटी सी ब्रश की मदद से कॉन्ट्यूर लाइन को ब्लेंड करूंगी। ऊपर की तरफ कॉन्ट्यूर लाइन को ब्लेंड करना है, नीचे की तरफ ड्रैग नहीं करना है, इसको ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करना है। बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। हार्श लाइन नहीं छोड़ना है, ऊपर की तरफ एक स्मूथ सा ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बेकिंग करूंगी फेस को एक लूज पाउडर लेके। अंडर आई पे थोड़ा सा अप्लाई करूंगी और कॉन्ट्यूर लाइन के नीचे इसको कॉन्ट्यूर लाइन को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करूंगी। फेस कॉन्ट्यूर करने के बाद भी उतना शार्प हाईलाइटेड नहीं दिखता है, इसीलिए मैं कॉन्ट्यूर लाइन के नीचे पाउडर अप्लाई करती हूँ। फिर मैं आईब्रो को थोड़ा सा फिल कर लूंगी। पहले मैं आईब्रो को ब्रश करूंगी, फिर इसको छोटी छोटी स्ट्रोक की मदद से फिल करूंगी। आप जानते हैं कैसे आईब्रो को फिल करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक लेके आईब्रो को फिल करूंगी।
स्ट्रोक देने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, इसको हार्श नहीं छोड़ना है। अब मैं थोड़ा सा आँखों पे काजल लगाऊंगी नीचे की तरफ पहले, और इसको मैं ऊपर की तरफ भी अप्लाई करूंगी। ब्लैक आई शेडो अप्लाई करने के बाद ऐसे काजल अप्लाई करने से आँखों को थोड़ा सा डेप्थ मिलता है, ये दिखने में बहुत ही ड्रामेटिक दिखता है। और मैं एक छोटी सी ब्रश की मदद से नीचे की तरफ की काजल को थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी। एक ब्रश की मदद से पाउडर को ब्रश आउट कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से इसको मैं ब्रश आउट करूँगी। मेकअप लगभग कंप्लीट है। अब मैं थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई करूँगी, ये मस्कारा मेबलिन का है। पहले ऊपर की तरफ की लैशेस पे, फिर इसको मैं नीचे की तरफ भी अप्लाई करूँगी। मैं इसको रोटेशन मोड पे बहुत ही अच्छे से लैशेस पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई करूँगी लिप्स पे, ये न्यूट कलर का एक लिपस्टिक है। और अब मैं हाइलाइटर को अप्लाई करूँगी हाइलाइटेड एरिया पे, ब्राउ बोन पे, और उसके बाद थोड़ा सा नोज के टिप पे और ब्रिज ऑफ द नोज पे। फिर एक ब्रश की मदद से मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। एकदम लास्ट पे मैं एक बिंदी पहनूंगी और ये मेरी कंप्लीट लुक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।